देते हैं कि जनवरी 2019 में जारी वैश्विक आवासीय शहर सूचकांक 2019 में किस भारतीय शहर को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो हैदराबाद को जो है वो 14वां स्थान प्राप्त हुआ है, और इसके साथ ही में जो है दिल्ली, बेंगलुरु सहित अन्य शहर भी हैं जिनका स्थान हम देख लेते हैं। दिल्ली को जो है वो 73वां स्थान प्राप्त हुआ है, बेंगलुरु को 94वां स्थान प्राप्त हुआ है, वहीं अहमदाबाद को जो है वो 108वां स्थान प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है, क्या कहते हैं, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, और चीन का जियांग शहर है उसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है। तो इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था का नाम नाइट फ्रैंक है। देख सकते हैं कि जनवरी 2020 में नाइट फ्रैंक द्वारा वैश्विक आवासीय शहर सूचकांक, जो कि हर तिमाही स्तर पर जो है वो जारी किया जाता है, तो नाइट फ्रैंक के द्वारा इस संस्था, क्या कहते हैं, इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और अगली न्यूज़ देखते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को हिंद महासागर आयोग में 5वें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जो है भारत है जिसको, क्या कहते हैं, हिंद महासागर आयोग में 5वें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक और महत्वपूर्ण तथ्य इससे जुड़ा हुआ है कि हिंद महासागर आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना सन 1982 में हुई थी। सवाल पूछा जा सकता है कि हिंद महासागर आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो हिंद महासागर आयोग की स्थापना 1982 में की गई थी। और यहाँ पर जो है भारत के साथ में जो है अन्य जो पर्यवेक्षक देश हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि चीन है, यूरोपीय संघ, माल्टा एवं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रैंकोफोनी। तो ये पांच जो है, क्या कहते हैं, पर्यवेक्षक हैं, और जिसमें से अभी हाल ही में जो है वो भारत भी शामिल हुआ है। और अगली न्यूज़ जो है नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 को लेकर के है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। देखते हैं कि फरवरी 2020 में जारी नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं CSIR जो कि नई दिल्ली में है, इसे जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको हम CSIR बोलते हैं, इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं जो है भारतीय विज्ञान संस्थान जो है IISc जिसको, जो कि बेंगलुरु में है, उसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ आपको बता दें कि क्या कहते हैं कि करीब जो है साल भर जो क्या कहते हैं अनुसंधान होते हैं उनका जो है प्रदर्शन किया जाता है, और उसी प्रदर्शन के आधार पर नेचर रैंकिंग इंडेक्स जारी की जाती है। मार्च 2020 में संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। तो क्या कहते हैं, ये संस्था है UNHRC, जिसको संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हिंदी में कहते हैं, और इसका पूरा नाम होगा क्या कहते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। तो यहाँ की जो क्या कहते हैं आयुक्त हैं, उनका नाम है मिशेल बैचलेट जोरिया। इन्होंने क्या कहते हैं CAA के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। और चूंकि क्या कहते हैं भारत की नागरिकता संशोधन कानून में ये प्रावधान किया गया था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ठीक है, और अगर इसको ट्रिक के रूप में याद करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको बाप बोलते हैं ना, बाप, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। तो इस पर जो है मिशेल बैचलर जेरिया, इन्होंने कहा था कि इससे मुसलमानों की जो है हित प्रभावित होगा। तो इसी को लेकर के इन्होंने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जिसका नाम है क्या कहते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इस संस्था ने एक याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। और अगला न्यूज़ देते हैं कि 4 मार्च 2020 को केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। इस चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प जो है वो सही नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है। देखते हैं पहला कि इस चरण में देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रभावी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा। तो यहाँ पर नोटिस करने वाला है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रभावी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, कि जो भी ठोस कचरा होता है और जो सूखा कचरा है, गीला कचरा, ये जो होता है उसका प्रबंधन किया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि दूसरे चरण की अवधि वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक होगी, तो इसका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट दिया है कि दूसरे चरण में 2,40,881 करोड़ रुपये की राशि परिव्यय की जाएगी, तो ये स्टेटमेंट इसका गलत है, क्योंकि 2,40,881 करोड़ नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर 1 होगा, 1,40,881 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर परिव्यय किए जाने का प्रावधान है, और इसलिए ये स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। और चौथा स्टेटमेंट है कि खुले में शौच मुक्त, जिसको ODF बोलते हैं, प्लस के ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन घटक की निगरानी 4 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन परिणाम संकेतों के आधार पर की जाएगी। तो ये जो निगरानी होगी वो 4 प्रमुख जो हैं क्षेत्र हैं उनके आधार पर की जाएगी। यानी कि जो है इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन सी वाला स्टेटमेंट इसका गलत है। ए सही है, बी सही है, डी सही है। और अगली न्यूज मिशन पूर्वोदय को लेकर के है, तो देखते हैं ये क्या है। यहाँ पर देखते हैं कि फरवरी 2020 में, देखिए डेट आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग डेट को दे करके वो कंफ्यूज करने की कोशिश करते रहते हैं।
और किसी भी एग्जाम के लिए डेट भी याद करना आज के समय में जरूरी है। फरवरी 2020 में भारत सरकार की इस्पात मंत्रालय, जापानी राजदूत और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो हैं के बीच इस्पात क्षेत्र में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्यता की पहचान कीजिए। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, इस्पात क्षेत्रों में बढ़ोतरी हेतु मिशन पूर्वोदय की संचालित किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट इसका सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि मिशन के तहत उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में एक ऊपरी केंद्र स्थापित किया जाना है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि भुवनेश्वर में नहीं है, ये जो है जिला जाजपुर में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है कलिंगनगर। तो कलिंगनगर में जो है ऊपरी केंद्र स्थापित करने की जो है बात कही गई है। और तीसरा स्टेटमेंट इसका देख लेते हैं क्या है कि केंद्र सरकार के अनुसार वर्ष 2030 तक उड़ीसा की इस्पात उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 100 मिलियन टन का लक्ष्य पार करने की रखी गई है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। और वहीं पर चौथा स्टेटमेंट गलत है कि उड़ीसा भारत का दूसरा सर्वोच्च इस्पात उत्पादक राज्य है, दूसरा नहीं है। उड़ीसा भारत का सर्वोच्च जो है इस्पात उत्पादन करने वाला राज्य है, तो सबसे पहले स्थान पर जो है उड़ीसा है इस्पात उत्पादन में, ना कि दूसरे स्थान पर है। तो इसके कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, इसका पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा और क्या कहते हैं इसका तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, वहीं पर जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और चौथा स्टेटमेंट भी इसका गलत हो जाएगा।